न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। एक बुजुर्ग पिता की आंखें आज भी अपने 21 वर्षीय बेटे के वापसी घर लौटने की बाट जो रही है, जो रेवाड़ी से मलेशिया जुलाई 2018 में गया था। 24 दिसंबर की रात को उसके एक सहयोगी का फोन आया कि उनका बेटा समुद्र में गिर गया है। इसके बाद से लाचार पिता बेटे की वापसी को लेकर पुलिस थाने से लेकर विदेश मंत्रालय तक चक्कर लगा चुका है, मगर अभी तक उसका कहीं कोई सुराग नहीं लग सका है। रेवाड़ी जिला के गांव पुंसिका का रहने वाला 21 वर्षीय विकास ने कुछ समय पहले एक स्थानीय एजेंट के माध्यम से ट्रेनिंग के बाद मलेशिया में ज्वाइन किया था। उसी एजेंट के माध्यम से वह दूसरी बार जुलाई 2018 में मलेशिया ड्यूटी पर गया था, जहां उससे मजदूरी का काम करवाया जाता था। 24 दिसंबर को विकास के पिता के पास विकास के एक सहयोगी का फोन आया कि ड्यूटी के दौरान विकास जहाज से पानी में गिरकर लापता हो गया है। विकास के पिता अनिल ने शक के आधार पर रेवाड़ी के रामपुरा थाना में रेवाड़ी के ही 3 लोगों पर मामला दर्ज करवाया। उसके बाद वह दिल्ली के विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के पास भी गया अपनी फरियाद लेकर, लेकिन उनकी मुलाकात सुषमा स्वराज से नहीं हुई। मलेशिया दूतावास को भी पत्राचार कर अवगत कराया गया, लेकिन सब व्यर्थ रहा। अब यह लाचार पिता मंत्रालय व पुलिस के चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसके लाल का अभी तक कोई सुराग नहीं लग सका है। विकास के पिता का कहना है कि उन्हें आशंका है कि उनका बेटा किसी आतंकी गिरोह का शिकार बन गया है, जो उसका इस्तेमाल मानव बम के रूप में भी कर सकते हैं। पीड़ित पिता की सरकार से अपील है कि अगर उनके बेटे की मौत हो चुकी है तो उसका शव ही दिला दिया जाए और विकास को खुर्दबुर्द करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं पुलिस की माने तो पूरे मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है, विकास को तलाश किया जा रहा है। अभी पिता की शिकायत पर 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। अब देखना होगा कि क्या पुलिस विकास को तलाश कर पाती है या फिर पिता को अपने लाल का ही इंतजार रहेगा। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। नाम है मेरे लड़के का, नाम विकास कुमार है, गांव पुंसिका जिला रेवाड़ी। मेरा लड़का देवेंद्र विकास नगर, उसके मार्फत मर्चेंट नेवी में जुलाई 20 तारीख को भेजा था। दिसंबर 24 तारीख को वहाँ से मलेशिया से फोन आया कि आपका लड़का पानी में गिर गया। तो मैंने पूछताछ की भाई कैसे पड़ा कैसे नहीं पड़ा, तो उन्होंने बताया जी हमें पानी में कूदने पड़ने की आवाज़ आई थी, हमने देखा नहीं, उन्हें सिर्फ इतना ही बताया। तो मैंने उनसे काफ़ी पूछताछ भी की, बोला हमने पुलिस स्टेशन मलेशिया में FIR दर्ज करवा दी है, तो आप उनसे संपर्क करो। तो उसके बाद में ना मेरे लड़के का कोई पता चला है। फिर दोबारा उस लड़के से भी संपर्क किया तो उसने ये कहा जी हमें नहीं पता, आप दूतावास से संपर्क करो या जिस एजेंट को आपने भेजा है ना उससे संपर्क करो। तो हमने एजेंट से भी संपर्क किया तो मेरे लड़के का आज तक किसी कोई बारे में पता नहीं चला। वहाँ काफ़ी पूछताछ की, वहाँ बता रहे हैं भाई वहाँ मजदूरी कराते हैं, किडनैप कर लेते हैं, फरौती लेके फिर छोड़ते हैं। ऐसी काफी वारदात मलेशिया में हो चुकी है। मेरे को काफी पूछताछ करने पर यही बताया गया। दूतावास ने क्या कहा? दूतावास में मैं लिख के दिया, खबर नहीं आई। मैं सुषमा स्वराज की कोठी पे भी हुआ है, वहाँ PA ने कहा जी हम कार्रवाई हमने करनी है, सुषमा स्वराज दस्तक करेंगे, कार्रवाई हमने करनी, पर सुषमा से मिलने नहीं दिया स्वराज से। पूरा थाने में FIR दर्ज कराई है। विकास नगर देवेंद्र जबलपुर निवासी है जी, एजेंट है, एक कार्तिक है, एक नैतिक है, ये एक यूपी का है, बिजनौर का, एक अपने सोनीपत आंवली गांव का है। ये 4-5 आदमी इनके संपर्क में है। कार्रवाई 2-3 दफे तो यहाँ विकास नगर उसके पास गई है, पर जिस एजेंट ने भेजा था वो बाहर बता रहे हैं। इस टाइम पैसा लिया है, मैं एक बार 1.74 दे चुका हूँ, एक बार 2.80 दे चुका हूँ। पहले दफे गया था जब तो ठीक था, अब की बार मजदूरी के दो तीन दफे बात हो जाती है, तो मजदूरी ही करवा रहे थे उसके पास भी। और मर्चेंट ने भर्ती हो गया, नाम मर्चेंट ने भी कहा था जी। अभी से कोई कार्रवाई तो इतनी नहीं की है जी। कब का मामला था, कितनी तारीख का? ये 24 तारीख का है, मेरे को 24 तारीख को पता चला जी। 25 को मुकदमा दर्ज कराया है, 25 दिसंबर को। हाँ, कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ? 3 यहाँ, अब यहाँ तो 3 लोगों के खिलाफ ही दर्ज करवाया है, लेकिन ये वो मिले नहीं है, धरपकड़ जारी है। क्या कुछ क्या मांग करते हैं आप? काम मैं ये वो कह रहे हैं जी आपका लड़का पानी में डूब गया, तो मेरा लड़का डूब गया होगा तो पहले तो डूब नहीं सकता जी,
ऐसी कोई बात ही नहीं भाई, जहाज में डूब जाए पड़ जाए, सारी चीज अवेलेबल है वहाँ, हर चीज है, जिससे भी पता करे ना। बोला ऐसे वारदात हो ही नहीं सकती भाई, हो भी गई तो मेरे लड़के की डेड बॉडी ला दो, मेरे नहीं है तो मेरे लड़के को वहां से ला के दो। काफी ये क्यों, उसका साथ का लड़का था जी, फिर दोबारा उससे संपर्क नहीं हुआ। दोबारा संपर्क हुआ जब उसने ये कहा भाई आप दूतावास में संपर्क करो या आप अपने एजेंट से जिसने भेजा था उससे संपर्क करो। उसने दोबारा मरने का नाम नहीं लिया जी, दोबारा मरने का नाम नहीं लिया, दोबारा बोला संपर्क करो आप भाई वो कह। पर मैं ये चाहता हूँ भाई ठोस कार्रवाई हो, जो जिसने ये करा उसको सजा मिले और मेरे लड़के को वापस लेकर आए। मेरा लड़का वहाँ जीवित है, किसी उस ऐसे फंसा हुआ बाढ़ मजदूरी में रखा हुआ है या कि उसे कोई बंद करके रखा हुआ है, मानो तस्करी मेरे को दियो भी डर, कहीं ये उग्रवाद एरिया चल रहा है, मानो बम वगैरह बना के उसको प्रयोग नहीं कर ले, मेरे को तो ये भी डर है जी। मरा नहीं है जी वैसे, मैं काफी पूछताछ की, बोला ऐसा हो ही नहीं सकता, हर आदमी ये कहता है ऐसा नहीं हो सकता। मर्चेंट जहाज में पूरी सुविधा है, पड़ भी जाता है तो हाथ के हाथ निकालते हैं जी, और जहाज में सिर्फ दो, ये वहाँ तीन ही लड़कों चार ही लड़कों के संबंध संपर्क में रहा है, और फालतू तो है ही नहीं जी भर्ती होने के लिए। लेकिन पता चला कि वो जहाज से पानी में गिर गया, आज तक वापिस नहीं लौटा, तो इस मामले में अभी FIR भी दर्ज हुई है। विकास जो है 19/7/18 को और मलेशिया के लिए गया था, 20/7 को वहाँ पे पहुँच गया था, उसके बाद में इसके वारसान के पास 24/12/18 को किसी नैतिक मलिक नाम के एक आदमी का फ़ोन आया, जिन्होंने इनको सूचना दी कि विकास जहाज से पानी में गिर गया है और अभी तक उसका कोई पता नहीं चला है। तो जिसके संबंध में इन्होंने हमें यहाँ पर एक रिपोर्ट दी है जिस पर FIR दर्ज कर ली है और इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। सर कुछ लोगों के नाम भी बताएं, कितने लोगों के खिलाफ यहाँ मामला दर्ज किया? ये तीन लोगों के खिलाफ जो है मामला दर्ज हुआ है और अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो जब जैसे ही वो ज्वाइन इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे उसके बाद ही इसमें कुछ। क्या क्या पुलिस मलेशिया की पुलिस से दूतावास से भी कुछ संपर्क करेगी उस बच्चे की जानकारी के लिए? हाँ बिल्कुल, इसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान सभी पहलुओं के ऊपर तफ्तीश की जाएगी। नया साल आपके जीवन में सफलता, सौभाग्य और खुशियां लेकर आए। यह साल बीते हुए साल से भी ज्यादा समृद्ध हो। बीते साल में आपकी जो कामनाएं अधूरी रह गई वो इस वर्ष पूर्ण हो। शांति, खुशहाली और विश्वास से भरे नए साल के लिए मेरी ओर से अनंत मंगल कामनाएं।